வணக்கம், நான் ஹைதர் அலி சையத், ஆசியோகம் சே, யுனைடெட் அண்டர் தமிழ் சிவா. ஆஜ் கா டாபிக ஹே யுக் ஆர் தஸ் அவதார். யுக் ஜெசே கி வைஷ்ணவ் கல்ட் மே ஹிந்து மைத்தாலஜி மே சார் யுக கா பதாயா கியா ஹுவா ஹே. சத்யுக், த்ரேதா யுக், த்வாபர யுக और कलयुग. इसी को साइंटिफिक टर्म में कहते हैं कि स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, उसके बाद गोल्डन एज. और एवोल्यूशन थ्योरी को हिंदू माइथोलॉजी में 10 अवतार कहते हैं. तो ये जो अवतार, एवोल्यूशन, एज और युगा, इससे बाहर आ जाओ. ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और कुछ नहीं. हम सिर्फ हक और बातिल, धर्म अधर्म, ट्रुथ और फॉल्सहुड, सत्युग और कलयुग की बात करेंगे. अब सत्युग में जाना है तो पहला कौन है, कहाँ से शुरू हुआ है, कौन से लोग थे, ये अगर पता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा. पहला तमिल है और तमिल के हिसाब से कोयल जो है एक हाउस ऑफ अ किंग है, एक पार्लियामेंट है. और शुरुआत जो दुनिया की हुई है वो सतयुग से शुरू हुई है. और सतयुग में वर्ण था, कलयुग में भी वर्ण है और आज भी वर्ण है. हम प्रोफेशन को ख़त्म नहीं कर सकते. लेकिन गोल्डन एरर में या सतयुग में जो वर्ण था, पढ़ा लिखा तबका, शासन करने वाला तबका, व्यापारी तबका, लेबर क्लास, वहां पे जो सिस्टम था वो क्या था जिसकी वजह से गोल्डन पीरियड या सतयुग था. अगर हम उस पर ज्यादा रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलता है कि कोयल जो है वो हाउस ऑफ किंग है या पार्लियामेंट है, जहां पे कॉमन आदमी पार्टिसिपेट करता है, वहाँ पे जाता है और अपनी हक के लिए खड़ा होता है. अगर कोई पॉलिसी उसके खिलाफ बनती है तो बात करता है और एक चेक एंड मेट की तरह रूलिंग के ऊपर दबाव बना के कॉमन पीपल रखते हैं. यानी इनडायरेक्टली कॉमन पीपल के जो रूलर्स हैं वो सर्वेंट है. तो सर्वेंट सर्वेंट इक्वालिटी आ गई. अब कलयुग क्या है? कलयुग में कॉमन पीपल का जो हक है वो मार दिया जाता है. ये एलिट्स जो है, तीन वर्ण जो ऊपर वाले हैं, ये कॉमन पीपल का हक खत्म कर देते हैं. उनको कोयल से पार्लियामेंट में घुसने नहीं देते, कोयल के बाहर कर देते हैं, अपने हक के लिए बात नहीं कर सकते. और जो उनके पुजारी कहेंगे, ये है कलयुग. तो एक धर्म है, एक अधर्म है. अब ये दो सिस्टम में अगर आप कलयुग को ख़त्म करना चाहते हो या वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करके आप कोई धर्म परिवर्तन में जा रहे हो, क्रिश्चियन बनने से आपको अगर पार्लियामेंट में घुसने का हक मिल जाता है, अपने हक के लिए बात करने का हक मिल जाता है, तो आप कन्वर्ट हो जाइए, क्रिश्चियन बन जाइए, मुस्लिम बन जाइए. पर ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ एक पुजारी को छोड़ के आप दूसरी पुजारी के पीछे जाओगे. और सभी धर्म जो है मैन मेड है और सब लोग वर्ण जो कलयुग है उसको बचा रहे हैं. तो उस जमाने में जो पहला जो कलयुग का पीरियड था हिंदुस्तान के अंदर, वो आर्या के आने के बाद हुआ है. और वर्ण व्यवस्था जो मनु लॉ के हिसाब से ब्राह्मणवाद जो आया वो शुरू हो गया और उसी को कंटिन्यू करते हुए हर धर्म जो है, क्रिश्चियनिटी आई, फिर उसके बाद शिया, सूफी, वहाबी, ये सब वर्ण व्यवस्था या कलयुग सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं. आज जो हम जिस दौर में है वो सिंडिकेट ऑफ ग्लोबल एलिट्स आ चुका है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. ये भी तो कलयुग ही है ना. कॉमन पीपल का क्या वैल्यू है? उसके पास कोई पावर ही नहीं है.
रात ही रात कोई मिनिस्टर आता है, बोलता है कि आपका डिमोनेटाइजेशन हो गया, ये पॉलिसी चेंज हो गई, वो पॉलिसी चेंज हो गई। हाँ, आज लॉकडाउन हुआ, कितने लोग रोड पे हैं। गवर्नमेंट क्या है? कुछ नहीं कर रही है। तो ये सिस्टम खत्म कब होगा? जब हम कॉमन पीपल अपने धर्म डिवीजन को जो है वो हटा करके और हम सब एक हो जाए, और कॉमन पीपल की पावर या पावर ऑफ पीपल को रूलिंग के सामने रखेंगे तो रूलिंग हमारे से दबेगा। आज हम हिंदू मुस्लिम से लड़ रहे हैं, तमिल द्रविड़ियन के नाम से लड़ रहे हैं, कॉमन पीपल के नाम से लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन और अलग अलग जात के ऊपर लड़ रहे हैं। देखिए, कल युग को खत्म करना है तो आपको सतयुग में आना पड़ेगा, और सतयुग का सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि कॉमन पीपल पार्लियामेंट में कोयल में वापस जाए और वहां पे अपने हक की बात रखे, और रूलिंग को हमेशा चेक में रखें कि भाई वो कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाए कि जो हमारे कॉमन पीपल को तकलीफ आए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और